चलिए एक और नीम सेट के टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 193 है, शशांक से जो कि देहरादून से है। तो शशांक सबसे पहले तो 193 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आपने बहुत हेल्प किया, अब आपकी एडवाइस सारी हमने फॉलो की और क्या ही रिजल्ट है कि हमारी रैंक 193 बन गई। थैंक यू बेटा। पर मैं एक चीज बोल रहा, शशांक जैसा कि आपने मुझे बताया था आपका ड्रॉप ईयर था, तो आपने आपकी जो यस इंटायर सर, सक्सेस जर्नी है, क्योंकि हर बच्चे की लाइफ स्टोरी बहुत अलग होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सेशन हर बच्चे के लिए यूजफुल है। तो आपने पहले तो निम सेट के लिए कब सोचा था, फिर ड्रॉप का मन, ड्रॉप क्यों लिया आपने, फिर क्या मन बनाया, किस ढंग से आपकी जर्नी रही इंटायर, मैं चाहूंगा वो बताओ आप। निमसेट के बारे में तो मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, बीटेक करना था, बट उस टाइम कोविड वगैरह आ गया था, उस वजह से हम प्रिपरेशन कर नहीं पाए थे। तो उसके बाद सर मैं सर्च करना शुरू किया था कि कौन सी हम सीएस में कौन सी डिग्री कर सकते हैं, और उसी टाइम मेरा जो एडमिशन था वो बीएससी पीसीएम में करा दिया गया था। वो थोड़ा ऐसी हुआ था सीन, तो हमने बीएससी पीसीएम में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद एमसीए के लिए सर्च किया, तो हम कौन सी सीएस के फील्ड में जा सकते हैं, इसके एमसीए सर्च करा। फिर उसके बाद कौन से टॉप इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, उसमें यूट्यूब पे सर्च करा तो आपका चैनल आया था। फिर वहां से पता चला कि निमसेट की तैयारी होती है। तो सबसे पहले सर मैंने ये देखा कि मैं कोडिंग के लिए क्या कर सकता हूँ। तो 2021 में मैंने वेब डेवलपमेंट और कोडिंग काफ़ी स्टार्ट कर दी थी। फिर 2022 में मैंने फोर्थ सेमेस्टर के टाइम अपने निमसेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जुलाई जून जुलाई आसपास 2022 में। फिर ठीक है, उसके बाद सर मेरी एक बैक इंजरी हो गई थी, ओके, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया था 5 महीने, 5 6 महीने मेरा बेड रेस्ट रहा। उस वजह से काफ़ी काफ़ी सारा छूट गया था, लगभग कॉन्सेप्ट भूल गया, टेस्ट में दे नहीं पाता था पूरे अच्छे से। तो फिर उस सब में वो 2023 का अटेम्प्ट बहुत ख़राब गया, उस टाइम मेरी रैंक आई थी 1993। और फिर इस साल फिर से ड्रॉप लिया, पता तो था ही कि दोबारा से हमें प्रिपेयर करना है निमसेट के लिए। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया और जुलाई से मैं दोबारा से अपने सारे जो कॉन्सेप्ट थे रिवाइज वो सब करे, और फिर मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर ली। फिर आपका मेडिकल का कोर्स मैंने लिया मार्च के आसपास, मेडिकल का कोर्स मैंने उसमें ज्वाइन किया। फिर उस टाइम मैं, इससे पहले सर आपके मैथ मास्टर जो चैनल है उसमें JEPYQ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 209 के करीब वीडियोस हैं, वो मैंने सारी देख ली थी। उससे मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप हुई थी, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। उसके बाद फिर यहाँ टेस्ट दिया, उसमें टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। फिर आप भी कई बार कॉल करते थे, आपने भी कई कॉल किए, फिर आपकी एडवाइस फॉलो करी, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच तो बनी रही थी, साथ में कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ इस बार तो अच्छा NIT तो मिल ही जाएगा। फिर ऐसे ही सर बिना स्ट्रेस के हमने पेपर दिया और फिर निकल गया। देखो बिना स्ट्रेस के पेपर दिया इसलिए निकला, और जब आपकी लास्ट ईयर 23 में 2000 रैंक थी, 2000 रैंक लगभग 2000 थी, और 2000 रैंक से सीधे आप 193 रैंक पे आए, यानी आपकी रैंक में 10 का सीधा सीधा बोल सकते हैं डिवाइड हो गया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यस सबसे सर, इंपॉर्टेंट बात है कि आपने स्ट्रेस नहीं लिया। अच्छा बीच, और यस एक्चुअल में ड्रॉप का कारण भी आपको पता, आपकी बैक इंजरी थी, बेड रेस्ट पे थे, पढ़ाई कर ही यस नहीं सर, पा रहे थे, तो जब हम 100% देते ही नहीं है तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो कई लोग जब ड्रॉप लेने की ऑब्वियसली बात सर, करते हैं, मैं बोलता हूँ कि सर ड्रॉप तो ले लेंगे, डर लग रहा है, मैं बहुत पूछता हूँ आपने कि 100% दिया, बोले नहीं। जब तक आप 100% दे ही नहीं पाओगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। जो बच्चा 100% देता है वो हमेशा रिजल्ट लाता है। तो शशांक ये बताओ, जब आपने वापस ड्रॉप लेके पढ़ाई करी तो पूरे साल भर, क्योंकि आप जुड़े रहे बीटर्स के साथ, टेस्ट भी दिए, सब कुछ किए, तो कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ता था तो क्या करते थे आप। सर कभी जैसे स्ट्रेस तो अब जर्नी का पार्ट है कि कभी हम हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा, कभी लो मार्क्स आएंगे तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बट सर ये जर्नी का पार्ट है और इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अब मेरा नहीं होगा या मैं एकदम हिम्मत ही हार जाऊं या छोड़ दूं प्रिपरेशन। ये सारी चीज़ें ज़्यादा तो नहीं सोचनी चाहिए, बट हाँ ये थोड़े बहुत मैटर कर जाती हैं, बट इतना ज़्यादा इनको सीरियसली ना लेते हो, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो शशांक अब ये बताओ मुझे कि आप अपने जूनियर्स को, जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, और कभी कभी जैसे आपके साथ भी एक हेल्थ इश्यू आया, कई बार बच्चों के साथ आ जाता है, उनके लिए भी आपका क्या मैसेज होगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी किस ढंग से फेस करना और कैसे आगे बढ़ना है। सर अब जो सिचुएशंस होती हैं, जो सरकमस्टांसेस होते हैं, उन पे हमारा कंट्रोल कभी नहीं रह पाता है। तो बिल्कुल अपने लेवल पे हम क्या बेस्ट करना कर सकते हैं वो हमें देखना चाहिए कि अपने लेवल पे मैं क्या सबसे बेहतर चीज़ कर सकता हूँ। तो अगर वो चीज़ हम देखते हैं तो चीज़ें हमारे फेवर में कई बार काम कर जाती हैं। तो सर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और ड्रॉप के
ड्रॉप के लिए मैं ये कहूंगा सर कि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पता है कि आपने क्या गलतियां की थी जिस वजह से आपका इस बार नहीं हुआ है, तो अगर आप उन मिस्टेक्स पे काम कर सकते हैं और आपको लगता है आप इम्प्रूव कर जाएंगे तब आप ड्रॉप लीजिए, और वरना अगर आप फिर दोबारा वही सब रिपीट करेंगे कि आपको फिर आलस करना है, अपने टेस्ट एनालिसिस में आलस करना है, टेस्ट देने में आलस करना है, अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आप फिर अदर इंस्टीट्यूट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो 100% दीजिए, पहले अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, आगे वो मिस्टेक ना उस पर फोकस करिए, टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो उनका प्रॉपर एनालिसिस करिए, छोटी छोटी बातें, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो ड्रॉप भी नहीं लेना चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही बोलूंगा बच्चों को, यही रिकमेंड करता हूँ, इनफैक्ट इस बार तो और स्ट्रिक्टली कि ड्रॉप ले रहे हो तो डिसाइड कर लो 100% दे सकते हो नहीं दे, बाकी कंडीशन कुछ हो जाए वो अलग बात है, जैसे अब आपने कहा आपके साथ कुछ कंडीशन होगी उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर जो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं उसके लिए मेंटली फिजिकली और ऑनेस्टली प्रिपेयर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है शशांक, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही आप एनआईटी में भी जाके थैंक बेस्ट यू। थैंक परफॉर्म करिए, और एनआईटी में भी ऐसे ही बिल्कुल झंडा गाड़ के आना अपने को। यू सर। थैंक यू बेटा।